सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको औषधि बताने वाला हूँ वो है व्यास कंपनी की पंच निंबादी वटी। दोस्तों, ये जो पंच निंबादी वटी है ये रक्त को शोधन करने वाली औषधि है और इसका रेट 180 रुपये है और ये 100 टैबलेट में आती है। इस औषधि को ये पंच निंबादी, जैसे कि नाम से ही इसका पता चलता है, ये इसमें जो है नीम के 5 जो जड़, मूल, तना, ये इस तरीके के पांचों अंग नीम के लिए गए हैं और भी इसमें औषधि ऐड की गई है। और ये जो औषधि है ना, ये जो चेहरे पर पिंपल्स होते हैं उन पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जैसे चेहरे पर दाग धब्बे से भी हो जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग बहुत जल्दी असर करता है और इसका प्रयोग आपको करीबन 3 महीने लगातार करना चाहिए। इस औषधि को आप 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को पानी के साथ ले सकते हैं। इस औषधि को आप पिंपल्स में ले सकते हैं और अगर आपको जो सूखी खारिश जो होती है उसमें इसका बहुत प्रयोग जो है बहुत अच्छा होता है और ये बहुत जल्दी असर भी करती है। इस औषधि को, ये जो पंच निंबादी वटी है, ये व्यास कंपनी की आती है और कंपनी की तो शायद मुझे नहीं पता आती है या नहीं, लेकिन व्यास कंपनी की आती है और इसमें व्यास कंपनी एक अच्छी कंपनी है और इस औषधि को आप ले सकते हैं अपने आसपास स्टोर से। इसको जो है आप अपने आसपास पंसारी की दुकान या मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से इसको ले सकते हैं। यह है औषधि एंटीबायोटिक की तरह काम करती है और इसको दिन में 2 बार लिया जाता है। ये जो रक्त से संबंधित जो भी विकार होते हैं उन सभी में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसको जैसे अगर जो स्किन में जो डार्कनेस आ गई है उसको भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दाग धब्बे वगैरह इसको भी, लेकिन उसके लिए आपको इसको जो है लंबे समय तक प्रयोग करना होता है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और बताइए कि अगर आपने कभी भी इससे संबंधित कोई औषधि का प्रयोग किया है, जैसे रक्त संबंधित विकारों के लिए, तो आपने कौन सी औषधि प्रयोग की है और क्या उसका रिजल्ट रहा है, आप ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को शेयर भी करें ताकि और भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अगर आपको किसी भी औषधि की या जड़ी बूटी की आवश्यकता है और आपको नहीं मिल रही है तो आप हमसे संपर्क करके मंगा भी सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भविष्य में भी ऐसी और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।